हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द पैसन। दोस्तों, अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी था अपने पर्सनल लाइफ पे। दोस्तों, अभी एक नया वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। अभी 2024 चल रहा है, और 24 चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये डाउट होगा कि अभी कौन सा कैमरा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये दिमाग में आपके ज़रूर आ रहा होगा कि कैमरा भी आपको जो बताने वाला हूँ, ये निकोन का D5600 के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर अभी आपको 2024 में इस कैमरा को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, अभी इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको टॉपिक को फाइनल डिसीजन पे पहुँचने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि आपको पता होगा कि निकोन का D5600 आज से करीबन 10 से 15 साल पहले कैमरा आया था। कैमरा जब मार्केट में आया था तो अपने टाइम पर जाहिर सी बात है कि एकदम तहलका मचा दिया था, और इस रेंज में इसके टक्कर में कोई नहीं था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी के समय में भी इसके रेंज में टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि अगर इसका नया रेट अगर देखा जाए तो अभी ऑनलाइन तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर पुराने रेट की बात किया जाए तो 45 से 50 हज़ार के बीच में कैमरा आपको मिल जाता था। अगर सेम रेट पे अगर आप वहीं पे अगर जाएंगे, अगर अभी आप इसको लेने, तो ऑनलाइन अगर आपको कभी कभार दिखेगा अभी तो करीबन 60 से 65 हज़ार रुपये के बीच में ये आ रहा है। लेकिन अभी जो ज़माना चल रहा है, जैसे जो चीज़ें जिस प्रकार से डेवलप हुई है, तो अभी जो आगे का समय है मिररलेस का समय है। ठीक है, मिररलेस की अगर स्टार्टिंग प्राइस की अगर बात किया जाए तो अभी अगर आपको 55 से 60 हज़ार के बीच में आपको स्टार्टिंग कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं DSLR और मिररलेस में जो मिररलेस जो कैमरा आती है उसके जो ऑटो फोकस है, उसमें जो काम करने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है जो DSLR कैमरा के मुकाबले। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि कैमरा अभी जो 50 से 60 हज़ार के बीच में जो मिररलेस कैमरा आ रही है, ठीक है, उसमें आप कैमरा में वीडियो और फोटो दोनों आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 5600 लें या फिर 3200 3300, मतलब कि इस सीरीज़ का कोई भी कैमरा लेते हैं, तो लगभग वो कैमरा उस कैमरा के सामने आपको उसका जो क्वालिटी है वो नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो फीका ही पड़ेगा आपको ये जो 5600 ये सब अगर कैमरा है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कैमरा एकदम ज़्यादा लो है, एकदम ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अगर एंट्री लेवल अगर मान लीजिए कुछ कैमरा, जैसे कि आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप वेडिंग शूट, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अगर 50 से 60 हज़ार के बीच में ऐसा कैमरा मिल रहा है जिसमें फ़ोटो और वीडियो दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो आप एक ऐसा कैमरा क्यों लेंगे जिसमें आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ओनली फॉर फोटोग्राफी करना है या फिर आप जैसे ट्रैवलिंग के शौक है तो आपको अगर कुछ मोमेंट कैप्चर्स करना रहता है, तो उस समय भी ये कैमरा आपको सेकेंड हैंड अभी मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका प्राइस अगर सेकेंड हैंड अगर आप देखिएगा तो करीबन 35-40 हज़ार के बीच में आपको ये कैमरा अभी, लेकिन वही रेट में ही मिलेगा। लगभग के रेट में 5-10 हज़ार के आपको डिफरेंस लगेगा। लेकिन अगर इसी रेंज पे अगर थोड़ा सा अगर अपना बजट बना रहे हैं तो एक मिररलेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो समय जिस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उस हिसाब से आपको अपग्रेड अपने आप को और साथ साथ अपने कैमरे को करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 2024 में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा करके कैमरा लूँ, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप ये कैमरा को ना लें। इससे बढ़िया ये है कि आप अगर सेकेंड हैंड भी अगर मिररलेस लेते हैं तो मिररलेस में उसकी जो ऑटो फोकस है, जो वीडियो में उसमें जो बनता है, जिस प्रकार से फ़ोटो उसमें आती हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि 5600 को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं बीच में थोड़ा सा और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसमें अगर इसके अगर खूबी देखा जाए, तो इसमें अगर मान लीजिए शुरू में अगर अच्छी बात बोला जाए तो ये है कि आप इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा आप ऑन किए, थोड़ा बहुत सेटिंग्स वगैरह इधर उधर करना पड़ेगा, इसके बाद कैमरा को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा इस कैमरे की बात किया जाए तो कैमरा रफ टफ कैमरा है, इससे में कोई शक नहीं है। कैमरा पहले ही बहुत अच्छे से चल रहा था, अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप ये कैमरा को अगर रेगुलर अगर अभी भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें लेंस अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो 18-140 या 18-120 निकोन का जो लेंस आता है, वो लेंस आप इसमें जो लगा के इस कैमरा को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका बताऊँगा इसका वीक पॉइंट, और मैं फाइनली ये बताऊँगा कि क्यों नहीं लेना चाहिए। वीक पॉइंट ये है इसमें कि मान लीजिए कैमरा अगर आपको मिलता है कहीं मार्केट में, मान लीजिए 40 हज़ार रुपये में आपको कैमरा सेकेंड मिल गया, ठीक है, अब कैमरा में अगर आप लेंस लगाइएगा तो करीबन 18-140 का जो लेंस है वो करीबन आएगा आपका मान लीजिए 26 से 27 हज़ार रुपया। तो दोनों मिला के कहीं ना कहीं 60 हज़ार के करीब, 70 हज़ार के करीब पहुंच रहा है कैमरा, ठीक है।
तो 70,000 के करीब पहुंच रहा है, तो 70,000 में 2-4-5,000 रुपया और मेरा मतलब मिलाइएगा उसमें, तो लगभग लगभग आपको Z50 मिल जाएगा निकॉन का, जो कैमरा भी इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके अलावा निकॉन का Z30 मिल जाएगा, सोनी का JDV10 मिल जाएगा, इसके अलावा कैनन में बहुत सारी ऑप्शनें हैं जो आपको कैमरा मिल जाएगी। इसके अलावा कैमरा अगर आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं अगर जो भी आपको बेचेगा है ना, ठीक है, तो कैमरा लगभग लगभग इसका 50% शटर स्पीड तो ज़रूर यूज़ किया होगा। तो मान लीजिए करीबन करीबन 50,000 इसका जो अगर कोई भी कैमरा का लगभग लगभग 1,00,000 उसका जो शटर स्पीड रहता है वो लगभग बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उसको दोबारा से अगर वो करेंगे तो 50,000 चला हुआ आपको मिलेगा अगर दोबारा खरीदने जाएंगे तो मतलब कि कहीं ना कहीं कैमरा का आधा जो रहता है कैमरा लाइफ वो ख़त्म ही लगभग लगभग हो चुका रहेगा। तो आप एक ऐसे चीज़ में क्यों शिफ्ट होंगे जो अब मतलब कि नहीं के बराबर ये चीज़ चल रहा है मार्केट में, मैं आपको कुल मिलाकर ये बताना चाहूँगा। और अगर आप फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कैमरा रफ टफ है इसमें कोई वो नहीं है, कैमरा पहले भी चल रहा था अभी भी चल रहा है जैसे मैं अभी बताया था। लेकिन अभी अगर आप समय के साथ अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैमरा अभी के लिए ठीक नहीं है, तो ये कैमरा को आप, मेरा राय यही है कि आप ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ, जब तक चलेगा तब तक ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद फिर से इसको कहीं ना कहीं बेच वाच के कुछ कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको फाइनली ये समझ में आया हो कि अभी लेना चाहिए कौन सा कैमरा, नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जैसे मैं बताया था कि निकॉन का D5600 एंट्री लेवल कैमरा है, जैसे कि अगर आप फोटोग्राफी में अगर इंटर कर रहे हैं तो आपको जो एंट्री लेवल में शुरू में आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो ये कैमरा है आपको लेना चाहिए या उस समय के लिए ये निकाला गया था कैमरा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर आप कोई कैमरा लेना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 कैमरा का नाम बता रहा हूँ जो इस प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा, मतलब 50,000 से 60,000 के बीच में आपको बहुत ही अच्छे से कैमरा मिल जाएगा। जैसे पहले नंबर पर है सोनी का ZEV10, जो कैमरा उसमें जो ऑटो फोकस है उसकी जो बैटरी लाइफ है बहुत ही अच्छी है अगर आप उसको देखेंगे तो। इसके अलावा कैनन का M50 Mark II मिल जाएगा, कैनन के M50 Mark II अगर आप ऑनलाइन उसका प्राइस चेक करेंगे तो 55,000 से 56,000 के बीच में कैमरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा निकॉन का Z30 है, कैमरा भी ब्लॉगिंग कैमरा है, प्लस आप उसको पर्सनली फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको निकॉन का Z50 भी मिल जाएगा। तो जो ये सब कुछ कैमरे हैं जो इस सीरीज़ में आते हैं, तो ये आपको अगर आप एंट्री लेवल में हैं तो आपको फोटो वीडियो दोनों उसमें आपको ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और जो मिररलेस होता है आपको जैसे पता होगा कि वो हाई स्पीड शूटिंग के लिए मिररलेस बनाया गया है, तो सब कैमरा आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी के डेट में अगर आप इसको नया तो इसे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर अगर आप मिल जाता है तो कैमरा अगर आप ले भी लेते हैं तो इसमें आपको लेंस चेंज करना ही पड़ेगा। जब अगर आप इसमें लेंस चेंज करते हैं तो आपको फिर वही 70,000 से 80,000 रुपया आपको लगभग लगभग पहुँच जाएगा। तो मेरा तो राय यही है कि अभी के डेट में कैमरा आपको नहीं लेना चाहिए अभी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मदद मिला होगा सही डिसीजन लेने में कि अभी के डेट में आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।